हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। सोनी नेगी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो गई सुबह के 9 बजे से। मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हैं मंदिर, और मैं शादी से पहले गई थी और अब जाके टाइम मिला है। मैं अकेले जा रही हूँ, आव्या शिव्या नहीं जा रहे, और मेरी फ्रेंड दूसरे रास्ते आएंगे और मैं अपने घर के दूसरे रास्ते आई, मेरा शॉर्टकट रास्ते, और वो उस साइड से आएंगे क्योंकि हमारे गांव से 2 रास्ते जाते बाज़ार में, एक हमारे घर से नीचे से और एक दूसरी तरफ से, जिससे मैंने पहले दिखाया था आपको। और मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हैं आज मंदिर, और वो आप बने रहे ब्लॉग के साथ, और वो बने रहिए ब्लॉग में, और वो वहीं पे दिखाऊंगी। मैं पहुँच गई हूँ सड़क पर और यहीं पर मिलेंगे मुझे आगे। गई मेरी फ्रेंड लक्सु और एक केसी, ये हम सब जा रहे हैं मंदिर आज बहुत टाइम बाद, बहुत सालों के बाद एक साथ मंदिर जाने का प्लान। और इसका बेटा हाय। और पहुंच गए हम मूसा गली में, और बिडोली से मूसा गली तक हम पैदल पैदल आए, मैं केसी और लक्सुर उसका बेटा, और मैं दिखाती हूँ आपको मूसा गली। और ये देखो, और ये पुराना पुल था, और बस आ गई हमारी, ये पहुंच गए हम मूसा गली, और यहीं से बस जाती है, और पहले कॉलेज के टाइम पे भी हम यहीं से बैठते थे। और ये है कलगड़ी, मतलब मूसा गली से पैठानी तक 4-5 मार्केट हैं छोटे छोटे, और ये बीच में पड़ता है मंदिर, एक चिपलघाट का, ये हनुमान जी का मंदिर है, और वो सामने रहा चिपलघाट, वो भी छोटा सा एक मार्केट है। और वहीं से आगे जाके ये है खंडूली गाँव, यहाँ मेरे चाचा की शादी, मतलब हम मेरे चाचा की शादी में आ रखे थे, बराती थे हम लोग बिडोली से, और खंडूली गई थी बारात चाचा की आज से कम 10-12 साल पहले। और मूसा गली से पैठानी तक कम से कम 4-5 छोटे छोटे मार्केट पड़ते हैं, एक तो चिपलघाट, एक बेला, एक सागर सैंड भी पड़ता है बीच में। और ये पहुंच गए हम सिरोली के पुल में, और यहाँ मार्केट है आगे, और यहीं से हम बूंखाल के लिए गाड़ी देखेंगे अपने लिए। इसी गाड़ी में आए हम, और यहाँ से लेंगे हम प्रसाद। चल ये काम वापस में करना है, सीधा मंदिर जाओ। और ये बूंखाल में पहुंच गए हम लोग, और ये सड़क ऊपर है, ये सड़क ऊपर है, यहाँ से नीचे आके और पहुंच गए हम मंदिर के सामने। मूल और एक मंदिर ऊपर है चोरी खाल। जय माता रानी। चलो सब मत बिचल जाए शिवालय में मत मंदिर। ओम शैव मंगल ही मंगल ही शिवा शादि ही शरण ही प्रेम ही गौरी ही नारायणी नमस्ते। और ये बूंखाल का गेट, जय बूंखाल काली माँ। जब हम आते थे तो रास्ता मतलब वैसे ही था, अब तो टाइल वगैरह पक्का रास्ता हो गया, और कई लोग दर्शन करके आ गए हैं और कई लोग अब जा रहे हैं।
और वहाँ पे सड़क, और सड़क से नीचे है पैदल रास्ता यहाँ तक, और ऊपर पैदल ही है पूरा रास्ता। और ये रास्ता घाट है, और ये सामने गांव है, और ये है भैरोखाल। यहाँ पे यहीं तक है सड़क, उसके नीचे थोड़ा सा पैदल है, फिर ये वाला रास्ता है। और जब हम आते थे इतनी भीड़ रहती थी, पांव रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी, पूरा रास्ता भरा रहता था ऊपर नीचे। बोल दिया जा, और पीयूष को देखो थकान लग गई, इसलिए गोदी में जा रहा है ना। पीयूष हाय करो, हाय कर दे। पीयूष आपको हाय कर रहा है। और अब हम नीचे एक मंदिर है, वहां से आके अब ऊपर एक मंदिर है। ये और पहले यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी, पूरे खेत में लोग ही लोग, रास्ता का पता ही नहीं चलता था। बकरियां रहती थी, हाँ बागी चढ़ाव करते थे लोग, बागी बकरों का ना। अब तो बलि बंद हो गई। कुछ लोग हमें रास्ते में आते वक्त देखे, और कुछ आ रहे हैं। और जो ये रास्ता है, तो रास्ते के इधर भी दुकानें लगी रहती थी बहुत सारी, और रास्ते की दोनों साइड मतलब बहुत सारी दुकानें लगी रहती थी। और रास्ता था बहुत पतला, और इतना भगदड़ हो जाता था, इतनी भीड़ रहती थी कि छोटे छोटे बच्चे जैसे आते थे तो वो गुम हो जाते थे। और ये पूरा टीन सेट रास्ते के ऊपर बनाया है जो नया, और रास्ते की साइड है कैंटीन, यहाँ पे चाउमीन, दाल चावल, रोटी सब्जी ये सब मिलता है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और ये मौसम देखो, मौसम की तो कुछ बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। और ये पहुँच चुके हम मंदिर, चलो क्यों तू? जय माँ बुंकाल, काली माँ, जय माँ बुंकाल। तो पंडित जी ने बोला कि पूजा करवा लो, और लक्सुकी तो हो गई पूजा। जो सिंगार वगैरह हम लाए थे वही पंडित जी रख रहे हैं, जैसे नारियल कहाँ फोड़ना है, तेल कहाँ डालना है, और ये बत्ती कहाँ लगानी है, धूप बत्ती ये सब। और गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तेल यहाँ डालेंगे, जब बलि होती थी तो यहीं पे होती थी पहले। और ये बहुत सच्ची कहानी है इसके बारे में, और जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ दर्शन करने आते हैं, दोबारा दर्शन के लिए आते हैं वो लोग। और ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।